नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मूली के पराठे, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स देखने के पहले हम सबसे पहले मूली को ग्रेट करके रख लेते हैं। तो हम एक चाकू लेंगे और मूली की जो ये जड़ें होती हैं इसे हमें निकालना है। मैंने मूली को धो करके रख लिया है, तो इसे इस तरीके से हम छील देंगे। बस हल्का सा हमें इसका जो जड़ है यही निकालना है, मूली को हमें नहीं छीलना है। मूली हमारी बहुत मुलायम है, तो इस तरीके से और इसके साइड से हम काट देंगे। तो मैंने मूली को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, तो इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, जिससे इसके अंदर का पानी जो है वो निकल आएगा बाहर। तो आधा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तो इसे ढक करके हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमें पराठे के अंदर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो हमने 1/4 चम्मच अजवाइन लिया है, 3 से 4 पिंच हींग लिया है, यह हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। 1/4 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1 हरी मिर्च के मैंने बीज निकालकर और इसे छोटे टुकड़े में काट लिया है, 2 चम्मच मैंने हरा धनिया लिया है, मैंने इसे धोकर के काट लिया है। घी चाहिए हमें पराठे बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार। और हमने गेहूं का आटा लिया है 2 कप, आपको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। प्रभास्क्यू की इंग्लिशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम आटा को गूंथकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डालने की, बस थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप चाहें तो डालें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे, जिससे पराठा हमारा क्रिस्पी बने। और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे पराठे के लिए। ये आटा हमारा गूंथ कर तैयार हो गया है। हमें बहुत टाइट आटा नहीं गूंथना है, हल्का सा सॉफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, पूरे आटे में लगा लेंगे और इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, हम मूली को चेक करते हैं और इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। ढक्कन को हटाएंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं मूली से पानी निकलना शुरू हो गया है, तो इसका पानी हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लिया है और एक बर्तन पर डाल देंगे और इसके अंदर मूली को डाल देंगे और इसे चारों तरफ से पकड़ लेंगे और हल्का सा दबाव देते हुए हम इसे निचोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं मूली से कितना पानी निकल रहा है, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पराठा हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा, फटने लगेगा। मैंने मूली के अंदर से पानी को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी पानी निकला है। तो हम मूली को प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं मूली हमारी कितनी सूखी हो गई है, इसका पानी बिल्कुल निकल गया है। और इसी तरीके से हमें पानी को निकाल देना है। और जो मूली का पानी है बहुत हेल्दी होता है, इसे हम सब्जी में डाल सकते हैं, इसका आटा भी गूंथ सकते हैं और इसमें काला नमक डालकर हम पी भी सकते हैं, ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो अब हम मूली के अंदर सारे मसाले डालेंगे, इसे फोड़ लेते हैं और इसके अंदर ये लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, हींग और अजवाइन, हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक को डाल देंगे। और इसके अंदर हमें नमक डालना है, तो हमें याद रखना है कि मैंने पहले ही 1/2 चम्मच इसके अंदर नमक डाला था, लेकिन हमने निचोड़ कर निकाल दिया है। तो इसे टेस्ट करने पहले फिर इसके अंदर नमक डालें। तो 1/4 चम्मच नमक इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा आटे में भी नमक डाला है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें आमचूर पाउडर भी डाल देंगे, इससे अच्छी खटास आएगी पराठे में। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है, इसे हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं, इसे साइड में रखते हैं।
10 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन हटाएंगे और आटे को अच्छी तरीके से मसल लेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा काफ़ी मुलायम हो चुका है, तो इसे एक मिनट तक हम इसी तरीके से मसलते हुए गूंथ लेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी है, तो हम इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम आटे को तोड़ेंगे और इसकी गोलियां बना लेंगे। जितना बड़ा पराठा आपको बनाना है उस हिसाब से आप छोटे छोटे टुकड़े इसके तोड़ लें। तो हम एक आटे का टुकड़ा लेंगे और इसे चकली पर रखेंगे, गोल करेंगे और इसे दबा देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इसे झाड़ देंगे, थोड़ा सा बेल कर बड़ा कर लेते हैं। बस ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। तो अब इसके अंदर स्टफिंग को भरेंगे, जितना आसानी से आ जाए उतना ही हमें रखना है। थोड़ा सा और ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से हमें पकड़ना है, हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से इसे हम पकड़ लेंगे। एक्स्ट्रा आटा इसे हम निकाल देते हैं, आप इसके अंदर दबा भी सकते हैं, हल्का से इसे दबाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे चकली पर और इसे हल्के हाथों से बेलकर तैयार करेंगे। बहुत दबाव देते हुए हमें नहीं बेलना है, नहीं तो पराठा हमारा फट जाएगा। और ये पराठा हमारा बेलकर तैयार हो गया है, तो अब इसे हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने गैस पर तवा रखा है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है, तो ऊपर से थोड़ा सा हम घी लगा देंगे, पूरे तवे पर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। मीडियम आंच पर हमें पराठे को सेकना है, तो इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे, फिर इसे हम पलटेंगे। हम पराठे को पलट देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी चित्ती पड़ गई है, ब्राउन हो गया है। तो ऊपर से भी हम घी लगाएंगे। घी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा घी लगा सकते हैं आप। तो इसे हम अच्छी तरीके से घी से कोट कर देंगे और हल्का सा साइड में तवे पर भी डालेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक हमें सेकना है। तो इसे हम हल्का सा कलछी से दबाएंगे जिससे क्रिस्पी बने, इसे फिर से पलट देंगे और इस साइड में भी घी लगा देंगे। अच्छी तरीके से पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप जितना चाहें इसे क्रिस्पी बना सकते हैं और पराठा हमारा फूल भी गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे मूली के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस तरीके से पराठे बनाइए और इसे अपने मनपसंद चटनी, अचार या फिर सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।